वोटों के दम पर, वोटों की चोरी कर कर, वोटों की खरीद फरोख्त कर कर, सरकारों को रातों रात तोड़ कर, विधायकों को डरा धमका कर अस्तित्व में आती है तो उनका गृह मंत्री तड़ी पार होगा, ये बिल्कुल साफ है और नाम जद है। जब आपकी मानसिकता इतनी संकीर्ण होगी, जब आप अनपढ़ता का परिचय देंगे, जब आप गुंडागर्दी का परिचय देंगे, तो डरा धमका कर दंगों से सरकार बनाकर जो प्रधानमंत्री के तौर पर बैठे हैं, एक बार मोदी जी से कहलवा दो कि अगर मैंने काम करा तो मुझे वोट कर दो। भाई साहब जमानत जब्त ना करा देना है देश की जनता, ढूंढते रह जाओगे वोटों को। अभी तुम्हारी बैसाखी की सरकार चलती है केंद्र में, दो बाबुओं के दम पर, वो बाबू जिस दिन अपना सहारा हटा लेंगे तो हमारे जो चौथी पास राजा है वो कुर्सी से नीचे गिरेंगे और संविधान की जय जयकार होगी, होती रही है। बाप रे बाप, राखी बिरला जी का बयान सुनकर पूरी बीजेपी में भगदड़ मच गई और जो है बीजेपी के होश उड़ गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत आफियत के साथ होंगे। मैं आपका भाई पीर मोहम्मद एक और वीडियो में खुश आमदीद करता हूं। इस तरह की बयानात उन्होंने पहले भी दे चुके हैं राखी बिरला जी, और कभी भी डेर कर वो बयान नहीं देती हैं, हमेशा एकदम खुल कर बयान देती हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक ऐसा बयान संसद में दिया था जो पूरी बीजेपी टीम हिल गई थी, तो उन्हीं का बयान सुनते हैं, आप भी जरूर सुनिए। चलिए सुनते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इस कुकृत्य की चर्चा पिछले 1.5 साल से चल रही है कि किस प्रकार से देश के संविधान की आस्था पर और संवैधानिक संस्थाओं पर निरंतर चोट कर कर कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग, कुछ छोटी सोच के लोग बार बार इस बात का परिचय दे रहे हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ एक बात समझ आती है, एक शब्द समझ आता है, वो है तानाशाही। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान और हजारों हजार क्रांतिकारियों के बलिदान की वजह से जो हमारे भारत देश को गौरव प्राप्त हुआ है लोकतंत्र में, उस लोकतंत्र के अंदर इन लोगों के तानाशाही वाले मंसूबे तो दूर की बात है, इस शब्द के लिए भी कोई जगह नहीं। अध्यक्ष जी, कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसे होंगे संस्कार वैसे होंगे आपके आचार विचार। तो अध्यक्ष जी, जब मैं संस्कारों की बात कर रही हूं तो मुझे बहुत ही भारी मन से ये कहना पड़ रहा है कि जिस पार्टी की सरकार आज देश के केंद्र में है और देश के 22 राज्यों में है, उस पार्टी का जन्म ही दंगों से, लोगों को डरा धमका कर वोट लेने से ही हुआ है, और वो डरा धमका कर दंगों से सरकार बनाकर जो प्रधानमंत्री के तौर पर बैठे हैं, उस चौथी पास राजा की संकीर्ण मानसिकता से सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसी बात की उम्मीद कर सकते हैं कि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या है, ग्लानी है, और हर वक्त दूसरे के साथ परस्पर जो है कंपटीशन, काम के दम पर जीतने की भावना नहीं है, उनको कैसे नीचा दिखाकर आगे बढ़ा जा सके, ये भावना निरंतर उनके अंदर पलती है, बढ़ती है। जब कोई पार्टी दंगों के दम पर, वोटों की चोरी कर कर, वोटों की खरीद फरोख्त कर कर, सरकारों को रातों रात तोड़ कर, विधायकों को डरा धमका कर अस्तित्व में आती है तो उनका गृह मंत्री तड़ी पार होगा, ये बिल्कुल साफ है और नाम जद है। ये मैं, मेरा दल या कोई और नहीं कहता, ये चुनाव के माध्यम से कही हुई बातें नहीं है, ये तो भारत की न्याय व्यवस्था के माध्यम से न्यायालयों के अंदर सत्यापित बात है। और जब आपकी मानसिकता इतनी संकीर्ण होगी, जब आप अनपढ़ता का परिचय देंगे, जब आप गुंडागर्दी का परिचय देंगे, तो निश्चित तौर पर यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि एक पढ़े लिखे, एक प्रभावशाली, एक IITian से एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ निछावर करता आया है,
मां भारती के लिए और दिल्ली वासियों के लिए, तो उससे मोदी जी को डर लगना लाजमी है। और ये बात कहना इस सदन के अंदर बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जब जब मोदी डरता है केजरीवाल से तो ईडी और सीबीआई को आगे करता है, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है अध्यक्ष जी, इनके पास कोई विचार नहीं है अध्यक्ष जी, इनके पास कोई ऐसे नेता नहीं है जो देश के हजारों लाखों करोड़ बेटे बेटियों को रोजगार दे सके। हाँ, इनके पास जुमले जरूर है। पिछली बार कहा था कि हर किसी को 15 लाख रुपए देंगे, इस बार कहा कि हर किसी को 2 करोड़ नौकरी देंगे, और फिर कहते अगर मैं ना कर पाऊं तो झोला उठाकर चला जाऊंगा। तो जो व्यक्ति दिमाग में रखता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो झोला उठाकर चला जाऊंगा, तो निश्चित तौर पर वो अपनी संकीर्ण मानसिकता का बार बार परिचय देते हुए अपने से ज्यादा प्रभावशाली विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम करेंगे, झूठे षड्यंत्र बनाकर उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता और उनकी सरकार को डीरेल करने का काम करेंगे। मैं आज कहना चाहती हूँ इस सदन के माध्यम से, बिल्कुल 4 लाइनें खत्म करूंगी, मैं इस सदन के माध्यम से आज अध्यक्ष जी कहना चाहती हूँ कि मोदी जैसे और भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग एक बार क्या हजारों बार जन्म ले लेंगे ना, तब भी अरविंद केजरीवाल का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक महज नेता नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक क्रांति है, और वो क्रांति जिसने ईमानदारी और काम की राजनीति को 75 साल के बाद इस आजाद भारत के अंदर स्थापित कर दिखाया है। अरविंद केजरीवाल आज आजाद भारत में पहला ऐसा नेता है जो कहता है अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट करना, अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट करना। मैं चैलेंज करती हूं विपक्ष के साथियों को, एक बार मोदी जी से कहलवा दो कि अगर मैंने काम करा है तो मुझे वोट कर दो। भाई साहब, जमानत जब्त ना करा देना है देश की जनता, ढूंढते रह जाओगे वोटों को। तो अध्यक्ष जी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को मोदी जैसे व्यक्ति और तड़ी पार जैसे अमित शाह व्यक्ति वाले जैसे व्यक्ति हजारों जन्म लेंगे ना झुका सकते हैं, ना डरा सकते हैं, और ना ही हमारी सरकार को तोड़ सकते हैं। और जहां तक बात है आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, आम आदमी पार्टी के लोगों को डराने की, तो अध्यक्ष जी मैं ये भी बहुत साफ शब्दों में बता दूं, आम आदमी पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक परिवार है, और इस परिवार में ना सिर्फ विधायक, ना सिर्फ मंत्री, ना सिर्फ सांसद है, बल्कि इस परिवार के अंदर दिल्ली के 2 करोड़ सदस्य हैं जो अपने बेटे के ऊपर, अपने भाई के ऊपर और अपने परिवार के ऊपर मजबूती से विश्वास कर खड़े हैं। हम आज फिर इस बात को कहते हैं, तुम ईडी को लगा लो, तुम सीबीआई को लगा लो, तुम्हारे आसपास जितने तुम्हारे हथकंडे हैं सब कुछ लगा लो, ना तुम अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर दाग लगा सकते, ना उसकी कर्मठता पर दाग लगा सकते, ये दाग वापस तुम्हारे मुंह पर लगेंगे, हेमंत विश्व शर्मा के रूप में लगेंगे आपके मुंह पर ये दाग आकर, शुभेंद्र अधिकारी के तौर पर तुम्हारे मुंह पर ये दाग आकर लगेंगे जो है जो नर्मदा घोटाला हुआ उसके नाम पर। और मोदी सरकार और ईडी के दुरुपयोग की वजह से ना विपक्ष खत्म हो सकता है, ना विपक्ष खत्म होगा आने वाले समय के अंदर। आप देखिए, अभी तुम्हारी बैसाखी की सरकार चलती है केंद्र में दो बाबुओं के दम पर, वो बाबू जिस दिन अपना सहारा हटा लेंगे तो हमारे जो चौथी पास राजा है वो कुर्सी से नीचे गिरेंगे और संविधान की जय जयकार होगी, होती रही है। तो अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आज तक जितनी भी सरकारों ने अपनी संस्थाओं का दुरुपयोग करा है, इस लोकतंत्र के माध्यम से, संविधान के माध्यम से जनता ने उनको जवाब दिया है, वो दिन दूर नहीं दिल्ली में एक बार फिर से जनता
भारतीय जनता पार्टी के कान पर इतनी जोरदार तमाचा मारेगी कि वो जो ये 8 सीटें हैं वो भी जीरो पर सिमट जाएगी। अध्यक्ष जी, आपने मुझे इतने कम समय में मेरे शब्दों को रखने का मौका दिया, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं चाहती हूँ कि इस विषय को आज से और अभी से हम लोग इतनी गहराई से जन जन में पहुँचाएं कि वोट लेने के लिए किस प्रकार से काम चोर लोग एक काम करने वाले नेता की छवि को धूमिल करने का असफल प्रयास करते हैं। ये इस प्रयास में भी असफल रहे और चुनाव में भी 100% असफल रहेंगे। 70 की 70 सीटें केजरीवाल को, अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की जनता देकर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।